मंच जहां पर हम हिंदुस्तान के हुनरमंदों को मौका देते हैं अपने कमाल के आइडियाज को देश के सामने रखने का। अब जेब में रहेगा वाटर प्यूरिफायर, कंकड़ से पानी साफ करने की आई है टेक्नोलॉजी, दुनिया का सबसे छोटा वेंटिलेटर। ये सभी इनोवेशन आज हम आपको दिखाएंगे हमारे खास शो आइडिया इंडिया का में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी ऐसी इनोवेशन की जो रोजमर्रा की जिंदगी को और बेहतर बना देगी। दो प्रोफेसर्स के एक खास इनोवेशन ने कमाल कर दिखाया है। एक ऐसा इनोवेशन जो अगर कामयाब रहता है तो दूर दराज में भी साफ पीने का पानी बहुत ही सस्ते तरीके से मिल जाएगा। आखिर क्या है ये इनोवेशन, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या टी बैग जैसी चीज से पानी साफ हो सकता है? क्या ग्लास में कंकड़ की मौजूदगी पानी के बैक्टीरिया को मार सकती है? क्या एक ऐसा भी वाटर प्यूरिफायर हो सकता है जिसको आप जेब में लेकर घूम सकें? क्या पानी साफ करने का कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है जिसमें खर्च बिल्कुल कम हो? इन तस्वीरों में ही इन सवालों का जवाब है। दिल्ली के पास नोएडा में एक निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने ऐसे ही एक इनोवेशन का दावा किया है। अगर आप घर पर हैं या फिर सफ़र कर रहे हैं, अब साफ़ पानी के लिए आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अब ऐसी डिस्कवरी हुई है, टी बैग के तर्ज पे एक ऐसा बैग तैयार किया गया है, एक ऐसा प्योरिफिकेशन बैग तैयार किया गया है जिसके माध्यम से जो चीज़ इजी टू कैरी है आप कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ख़राब पानी को प्योर भी कर सकते हैं। ये तीन फॉर्म हैं जिसके माध्यम से टी बैग में जो पेबल्स हम कहते हैं उस पेबल्स को इतना प्योरीफाई किया गया है कि आप उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी टेक्निक ऐसी, उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो कुछ ऐसा है जिससे आपका गंदा पानी प्योर हो जाता है। मौजूदा दौर में पानी साफ करने के डिवाइस की ज़रूरत है। संक्रमित पानी से होने वाली बीमारियाँ बड़ी समस्या हैं। हमारी जमीन पर पानी खूब है लेकिन साफ पानी का बड़ा संकट है। हमारी पृथ्वी के 71% हिस्से में पानी है। इस 71% में जो पानी है उसका 96.5% हिस्सा समंदर की शक्ल में है। सिर्फ 2.5% ही शुद्ध पानी है, लेकिन इस 2.5% का भी सिर्फ 1% पानी आराम से लोगों को पीने के लिए हासिल हो पाता है। यानी पीने के पानी की किल्लत है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पीने के पानी में भी कई तरह के जीवाणु और विषाणु हैं। डायरिया से लेकर टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी जानलेवा बीमारियां दूषित पानी से ही होती हैं। लापरवाही से या मजबूरी में लोग प्रदूषित पानी भी पी लेते हैं। आबादी बढ़ने के साथ साथ पानी का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत है पानी को शुद्ध कर पीने की। लेकिन जब आप घर से बाहर रहते हैं, आप रेल में सफर कर रहे हों या फिर दूर दराज के इलाकों में हों, तो साफ पानी का क्या जरिया है? या तो मिनरल वाटर की महंगी बोतल खरीदिए या फिर नल का पानी पीजिए। लेकिन अब आपको किसी संदेह में नहीं रहना पड़ेगा। कहीं भी पीने से पहले पानी में ये छोटा सा बैग डालकर आप पानी को शुद्ध कर सकते हैं। दावा यह है कि इस छोटे बैग को पानी में डुबोने भर से पानी साफ हो जाएगा। बेसिक आइडिया ये था इसके अंदर कि जैसे हमारे सोल्जर्स हैं, हाई अल्टीट्यूड पर हैं, तो वो पानी झरने से लेके नदी से लेके जो साफ दिखता है उसको वो पी लेते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया फ्री नहीं होता। तो सबसे बड़ा यूज़ ये था कि जेब में रखें इसको और ये ग्लास पानी ले, उसमें 2 मिनट शेक करें और ये बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। सभी तरह के माइक्रोब्स को किल सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको किलिंग कर सकता है और वो मैक्सिमम किसी भी कंसंट्रेशन, हम स्पाइकिंग करते हैं बेसिकली और लैब में स्टैंडर्डाइज करते हैं और हमने इसे टेस्ट भी कराया NABL एक्रेडिटेड लैब से। इन प्रोफेसर्स की माने तो टी बैग से पानी 100% शुद्ध हो सकता है। इस तकनीक की बुनियाद पर प्योरिफिकेशन बैग के साथ साथ प्रोफेसर्स ने बड़ा वाटर प्योरिफायर भी तैयार किया है। दावा यह है कि इस प्योरिफायर से 1.5 मिनट में 1 लीटर पानी साफ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी को बनाने में हमें लास्ट हम 2-3 साल से इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली हमने इसका सिर्फ ये पॉकेट फ्रेंडली मॉडल बनाया था और आज ही इसमें हमने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि हमने वॉल माउंटेड मॉडल बनाया है ताकि ये बड़े बिग लेवल पे भी रिक्वायरमेंट को फिल कर सके। और ये वॉल माउंटेड मॉडल का फ्लो रेट भी जैसे 1 लीटर इन 1.5 मिनट में ही हमें मिलता है और आने में ये रेडी है टेक्नोलॉजी एंड आई थिंक विद इन नेक्स्ट ईयर हम इसको लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। अगर प्रोफेसर्स के इन दावों पर यकीन करें तो इस तकनीक से पानी 100% शुद्ध हो जाता है। जाहिर है ये तकनीक जन जन की जरूरत में काम आ सकती है। नोएडा से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज नेशन।
और आखिर कैसे कंकड़ों से भरे बैग से पानी साफ हो जाता होगा? आखिर इतने साधारण से बैग में क्या विज्ञान की थ्योरी छिपी हुई है जो हाईटेक प्यूरिफायर की बराबरी कर सकती है? आइए करते हैं अब इसका भी समाधान हमारी असली रिपोर्ट में। गंगा नदी का पानी श्रद्धालु बर्तनों में भरकर ले जाते हैं। ये गंगा जल महीनों तक घरों में रखा जाता है। दावा किया जाता है कि इस पानी से बदबू नहीं आती, महीनों बाद भी ये पानी खराब नहीं होता। आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से गंगा जल हमेशा शुद्ध रहता है? ये सवाल किसी के भी दिमाग में उठना लाजमी है। यही सवाल इन प्रोफेसर्स के दिमाग में भी थे। जब इसका जवाब खोजा तो पानी तैयार करने का तरीका भी मिल गया। हमारे दिमाग में ये था कि गंगा का पानी जो आता है वो बहुत बार हम देखते हैं कि लोग रखते हैं और बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता। उस कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने कोशिश किया कि किसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए और यहाँ पर लैब में बनाया जाए। और हमारे दिमाग में एक आइडिया था कि किसी तरीके से हम ये बोलें, ये देखें उसके अंदर कि ये पानी प्योरीफाई क्यों रहता है बहुत दिन तक। तो हमें लगा कि माउंटेन्स में बहुत जगह लंबे समय से जो पानी आ रहा है तो जो रॉक्स हैं वो पोरस हो गई हैं, उन पोरस में कोई नैनो फेज इन्हें मिल रहा है। ये हमारे दिमाग में एक आइडिया था। इन प्रोफेसर्स ने भी बहुत छोटे कंकड़ लिए और उनमें पोर्स यानी कि छेद कर दिए। छेद में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया कि दावे के मुताबिक कि छेद हुए कंकड़ों के संपर्क में आते ही बैक्टीरिया मर जाएंगे। हमने वही चीज कॉन्सेप्ट को अपने इन पेबल्स में कंक्रीट में पोरोसिटी जनरेट की और उस पोरोसिटी जनरेट करके उसमें सिल्वर को हमने नैनो में कन्वर्ट कर लिए, परमानेंटली उन पोर्स के अंदर फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से। अब इन पेबल्स को हम लोग जब भी पानी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं एक पर्टिकुलर समय के लिए, एक क्वांटिटी के लिए, तो ये सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। 100% बैक्टीरिया उसमें किल हो जाता है। और इस डिवाइस को हम लोग 1000 बार यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस तकनीक से छोटे प्योरीफायर के साथ साथ बड़े स्तर पर भी पानी साफ किया जा सकता है। किस तरह से इम्प्योर वाटर प्योर होता है हम एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है, क्योंकि सबसे पहले आपको कैमरे के माध्यम से इम्प्योर वाटर दिखा देते हैं कि जो टैप वाटर है पूरी तरह से इम्प्योर वाटर है, लेकिन इस वाटर को सीधे से प्योरिफिकेशन जो हो रहा है वो पेबल्स के माध्यम से हो रहा है, जो पेबल्स इसको ग्लासेस कह सकते हैं जिनके अंदर भरा हुआ है, उनके माध्यम से डिस्टिल्ड होकर के ये यहाँ पर आ रहा है जहाँ से फिर आपको साफ पानी मिलता है। इस इनोवेशन को देखकर दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लाजमी है। क्या इतने महीन कंकड़ों में भी छेद हो सकते हैं? क्या गारंटी है इस तरीके से पानी पूरी तरह शुद्ध होगा? इस तरीके से पानी शुद्ध करने में कितनी लागत आएगी? इस प्रोजेक्ट में शामिल डॉक्टर सुमन ने इन सवालों के जवाब दिए। एक्चुअली इसकी फिजिबिलिटी का ये है कि हम इसमें पोर्स एसिड ट्रीटमेंट से जनरेट करते हैं और हमने पूरे माइक्रोस्कोपिकली टेस्ट किया है कि एक पेबल्स में कितने नंबर ऑफ पोर्स जनरेट हो रहे हैं। उस पोर्स के अंदर फिर हमने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से सिल्वर नैनो को इटसेल्फ बनाया और सिल्वर नैनो भी हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनाया, ग्लूकोज यूज़ करके बनाया हमने उससे, और इसलिए ये हमारी फिजिबिलिटी है कि ये आराम से इसे बना सकते हैं। सब कुछ टेस्ट किया हुआ है, सर्टिफिकेशन है हमारे पास और हमने लीचिंग के भी करेक्टराइजेशन कर रखा है। इस तकनीक पर हमने एक्सपर्ट की भी राय जानी। इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि आपके जो भी सैंड फिल्टर्स हैं, जो राइस हस्क ले लीजिए अगर एक फिल्टर है, उसमें आपने नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स, सिल्वर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नैनो फिल्टर जो कि 10^-9 के रेशियो में आपका अवेलेबल होता है, उससे आपका सिल्वर का जो प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि वो इतना छोटा, नैनो का मतलब छोटा होता है, तो इतना ज़्यादा छोटा होने से उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है और फिर वो बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं पानी में, उनको अटैक करता है। इस तरह की तकनीक पर दुनिया के कई और देशों में भी काम हुआ है। साल 2010 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में इस तरह टी बैग से पानी साफ करने के आइडिया ने सुर्खियां बटोरी थी। इसी फहरिस्त में हमारे होनहारों ने बेहतर इनोवेशन का दावा किया है। तो आपको चाहे नदी का पानी पीना हो, आपको कोई किसी भी तरह का हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर आप ले रहे हैं, तो अपने पानी को आप खुद प्यूरिफाई कर सकते हैं इस टी बैग वाटर प्यूरिफायर के माध्यम से। नोएडा से विरोजन संदीप के साथ हर्ष अनवानी, न्यूज नेशन। और अब आपको एक ऐसा इनोवेशन दिखाएंगे जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल होता है। अस्पतालों में लगे बड़े बड़े वेंटिलेटर की जगह अब एक ऐसा वेंटिलेटर बना दिया गया है जो जेब में रखा जा सकता है। जी हाँ, पॉकेट में रखने वाला वेंटिलेटर बनकर तैयार हो गया है और सिर्फ इसे बनाया ही नहीं गया है बल्कि दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कैसे काम करता है, क्या है इसका सिद्धांत और कब तक ये आम आदमी के लिए उपलब्ध हो सकता है, इन तमाम सवालों का जवाब देती है देखिए हमारी अगली रिपोर्ट।
वीडियो में दिख रहे इस लड़के के हाथ में एक छोटी सफेद सी चीज है। इस चीज की अहमियत बताने से पहले इसके साइज पर गौर कीजिए। ये इतना छोटा है कि आराम से इधर उधर लेकर घूमा जा सकता है, ये जेब में भी रखा जा सकता है। अब ये तस्वीर देखिए, दोनों चीजें एक ही काम करती हैं। ये अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले वेंटिलेटर है। अभी तक आपने अस्पतालों में इसी तरह के वेंटिलेटर देखे होंगे, लेकिन अब इससे 450 गुना छोटा वेंटिलेटर बनकर तैयार है। अक्सर आपने अस्पतालों में अपनी लंबाई जितने वेंटिलेटर्स देखे होंगे, लेकिन दिल्ली एम्स के एक युवा वैज्ञानिक ने ऐसा पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है जिसको ना सिर्फ आप अपनी जेब में रख सकते हैं, बल्कि मोबाइल के थ्रू अपने पेशेंट की एक्टिविटीज को मॉनिटर भी कर सकते हैं। वेंटिलेटर की जरूरत तब पड़ती है जब मरीज खुद से सांस नहीं ले पाता। आमतौर पर वेंटिलेटर की साइज करीब 6 फीट होती है। वेंटिलेटर में मरीज को ऑक्सीजन देने वाली मशीनें होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती है जो मरीज के खून में जा रही ऑक्सीजन की सही मात्रा बता सके। लेकिन एम्स में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर दीपक अग्रवाल और 25 साल के रोबोटिक्स इंजीनियर दिवाकर वैश्य ने छोटा सा वेंटिलेटर तैयार किया है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज ऑफ C1 C2 इंजरी, यानी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, गर्दन की चोट जिसे हम कहते हैं, उसके वजह से फुल बॉडी पैरालिसिस में बॉडी चली जाती है, यानी ब्रेन इज नॉट एबल टू कंट्रोल एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इन दैट केस डायफ्राम एक मसल होती है हमारे चेस्ट में जो कि हमारे लंग्स को कंट्रोल करती है। नाउ जैसे ही उस पर इफेक्ट पड़ता है, एक पेशेंट, एक मरीज अपने आप से सांस नहीं ले पाता एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नाउ बिकॉज वो अपने आप से सांस नहीं ले पाता तो हमें मशीन के थ्रू उन्हें सांस देनी पड़ती है और उसे हम वेंटिलेटर के थ्रू देते हैं। ना हमारे पास कई सारे पेशेंट्स हैं जो कि कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक इस वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। ना ये वेंटिलेटर बहुत ही बड़ा होता था, बहुत ही महंगा होता था, तो ये पेशेंट हॉस्पिटल में ही रहते थे और हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा पाते थे। वेरैज अब हमने ये छोटा वेंटिलेटर बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। रिसर्च के मुताबिक जिन मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है उनमें से 90% मरीजों के फेफड़े ठीक होते हैं। डायफ्राम में दिक्कत की वजह से वो सांस नहीं ले पाते और उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। यानी उनके डायफ्राम को मशीन का सहारा दिया जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके फेफड़े वातावरण की हवा से ही ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसी सोच के साथ ये वेंटिलेटर तैयार किया गया जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेंसर लगा हुआ है और ये सेंसर हमारे मेन डिवाइस में जा रहा है और ये मेन डिवाइस सेंस करके, इसमें कंप्यूटर है और वो सेंस करके ये बताता है कि कब सांस अंदर देनी है और कब सांस बाहर निकालनी है। तो ये बेसिकली सेंस करके ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। और यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है जो कि ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। इसके अंदर 2 वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल है। बिकॉज अभी हम हॉस्पिटल में हैं तो हम ये ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू या ऑक्सीजन पाइप के थ्रू हमने दे रहे हैं, बट इसका एक स्टैंड अलोन वर्जन भी अवेलेबल होने वाला है बहुत ही जल्दी, जिसके अंदर आपको किसी तरीके से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है, वो रूम एयर पर ही काम करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग टाइम पर सांस अंदर दे रहा है, सांस बाहर ले रहा है, और आप उधर देख सकते हैं 100% कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है, मतलब ब्लड में जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का होना चाहिए उतना भी है। दैट इज़ द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेंटिलेटर का इस्तेमाल आमतौर पर अस्पतालों में किया जाता है, लेकिन इस वेंटिलेटर के साथ मरीज अपने घर पर भी रह सकता है। डॉक्टर इस वेंटिलेटर पर दिखने वाली पूरी रिपोर्ट अपने मोबाइल में ही मॉनिटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मोबाइल फ़ोन उसके आसपास ही रहे। आप जब उसे कंट्रोल करना चाहें, आप सेट करना चाहें, आप उस मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर देख सकते हैं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये सारी वैल्यूज़ अंदर और बाहर, मतलब ये इनहेल मतलब हवा अंदर दे रहा है और देन ये एक्सहेल मतलब हवा बाहर ले रहा है। तो ये इनहेल एक्सहेल साइकिल 24 घंटे 7 दिन चलते रहता है जिससे एक पेशेंट सांस ले पाता है। और साथ में आप इसमें रॉ वैल्यूज़ भी देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या है जो कि डॉक्टरों के काम में आती है। एंड देन इफ़ यू वॉन्ट टू सेट एनीथिंग आप इसे सेट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो देखिए, आप हो सकता है कि अभी आप दिल्ली में हैं, कभी पेशेंट किसी और रिमोट टाउन में हो तब क्या होगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। टेलीफोनिकली हम यहाँ से अपने ऑफिस में बैठ के इसे सब कुछ सेट कर सकते हैं और इसकी चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हैं।
नियम के मुताबिक हर अस्पताल में जितने बेड होते हैं उसका 10% वेंटिलेटर होने चाहिए, लेकिन राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी 10,000 बेड पर सिर्फ 200 वेंटिलेटर हैं, यानी सिर्फ 2% वेंटिलेटर। दावा यह है कि ये वेंटिलेटर सामान्य वेंटिलेटर से 100 गुना सस्ता है। इस वेंटिलेटर की कीमत करीब 15,000 है। सामान्य वेंटिलेटर 5 लाख से 15 लाख रुपए तक होते हैं। इस वेंटिलेटर से रोजाना करीब 4,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्चा भी बचेगा। जाहिर है मेडिकल साइंस की दुनिया में ऐसा वेंटिलेटर एक क्रांति है। अभी दुनिया में कहीं भी इतना छोटा वेंटिलेटर नहीं बना। ये वेंटिलेटर कम लागत में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में मदद करेगा। दिल्ली से अपना त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।